हेलो व्यूअर्स, आज ये मोहम्मद अहसन और जावास्क्रिप्ट की इस क्लास में हम जो अपना कोई सिस्टम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने ये यहाँ तक किया था कि स्कोर जो प्लस प्लस करता जाए, तो अब स्कोर प्लस करेगा, सबमिट भी करेगा, सब कुछ है, लेकिन अब हम काम करते हैं ये कि जब उस पे जब हमें वो सबमिट पे क्लिक करें तो हमें वो अपने स्कोर भी बताए। यहाँ तक तो हम काम कर चुके हैं। अगर एक भी आपने क्वेश्चन मिस कर दिया तो ये जो फॉर लूप है उसको नेक्स्ट पे नहीं जाने देगा। आप सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो फिर ही यहाँ पे ये आएगा और यहाँ से ये वेरीफाई करेगा। तो वेरीफाई करने के बाद अब मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे और यहाँ पे कमेंट्स में लिख लेता हूँ डिस्प्ले और यहाँ पर लिखता हूँ रिजल्ट। डिस्प्ले रिजल्ट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट के नेम से और इसको हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उसके बाद आईडी क्या है ये देखें, यहाँ पे मैंने आईडी रखी थी इसकी, अब भी इसको मैंने आईडी दी नहीं है तो इसको मैं आईडी भी दे देता हूँ। आईडी का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो इसका आईडी ये सबमिट है, यहाँ पे ये है इसका हमें ऊपर बनाया था, इसका आईडी मैंने दी है ये रिजल्ट्स के नेम से और सिम वही मैं यहाँ पे लेता हूँ रिजल्ट्स स्क्रिप्ट के अंदर मैं वो यहाँ पे लेता हूँ रिजल्ट्स। और उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन के बाद अब हम इस रिजल्ट्स को शो करवाते हैं अपने उस HTML पेज के अंदर। तो उसके लिए है इनर HTML इक्वल किसके होगा, वो हम यहाँ पे H3 टैग ले लेते हैं, वो होगा यू आर कोरेक्ट आंसर आर यहाँ पे मैं लेता हूँ स्पैन टैग। और इसकी हमने ऑलरेडी डिजाइनिंग कर ली थी CSS के अंदर, मैंने आपको बताया था कि हम स्पैन टैग डिजाइनिंग क्यों करें वहाँ पे। और अब यहाँ पे फिलहाल अब मैं इस कोड से बाहर आ रहा हूँ क्योंकि ये मैं अब कंकैटनेशन अप्लाई करता हूँ। कंकैटनेशन के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कोर और अगेन कंकैटनेशन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पैन टैग और यहाँ पे मैं सिंपली लिख लेता हूँ आउट ऑफ, यहाँ पे जो आंसर सही हुए वो हमें यहाँ पे स्कोर बताएगा यूर एग्जांपल यूर करेक्ट आंसर आर 4 आउट ऑफ यहाँ पे हमें शो होगा आउट ऑफ। अब इस आउट ऑफ के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो मेरा स्पैन टैग है ये यहाँ से यहाँ तक होगा क्लोज, ये इसका स्पैन यहाँ से स्पैन स्कोर क्लोज और यहाँ से दोबारा से स्पैन टैग स्टार्ट होगा ये स्पैन टैग स्टार्ट। तो अब यहाँ पे लिखता हूँ कंकैटनेशन अप्लाई करता हूँ टोटल और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पैन और उसके बाद ये जो H3 टैग है वो भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ है। अब ये जो हमारा कोड है वो यहाँ तक बिल्कुल सेट हो चुका है, सिर्फ लास्ट पे हम इतना लिखते हैं ये यहाँ पे रिटर्न हम करवा देते हैं, रिटर्न वो होगा यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं रिटर्न फॉल्स, सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र को करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ तक हमारी जो ये एक कह सकते हैं एप्लीकेशन थी कोई सिस्टम की कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम कोई भी यहाँ पे हम आंसर मिस कर देंगे तो हमें वो अलर्ट बॉक्स शो करेगा कि आपने फलां जो है वो आप मिस किया है। वो अब मैं सिलेक्शन करता हूँ
कुछ भी मैं करता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन, तो ये अब देखें यहाँ पे आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक है, मैं देखता हूँ मिस्टेक, फिर वहीं आपसे आपको करवाता हूँ दोबारा से, ये यहीं से ही। इसमें मिस्टेक तो कोई नहीं हमारे कोड में, इस वक्त मेरा हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं देखता हूँ ये तो ठीक है बिल्कुल, यहाँ पे फॉर कंडीशन वैल्यूएशन फंक्शन यहाँ पे लगाया Q I S, ये मिस्टेक यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आना, ये मैंने सेमी कॉलन लगा दिया गलती से। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, देखिए मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की, तो यहाँ पे बता रहा क्वेश्चन जो मिस्ड क्वेश्चन वन, उसके बाद फिर हमें बताएगा क्वेश्चन टू, क्यों फॉलो अप चल रहा है, फिर ये क्वेश्चन थ्री है, सेम क्वेश्चन फोर, लास्ट पे क्वेश्चन फाइव। अब मैं अगर सिलेक्शन करता हूँ, ये रैंडम सिलेक्शन कर लेता हूँ, जहाँ पे जो भी है मैं वो बाद में देख लूँगा, ये यहाँ पे, और अभी हम सिर्फ वैसे चेक करें। तो अगर सबमिट करता हूँ तो अभी सबमिट, तो आप देखिए यहाँ पर बता रहा है योर करेक्ट आंसर आर 4 out of 5, तो हमें ये हम बता रहा है कि आपके जो क्वेश्चन 4 ठीक हैं 5 में से। तो अब यहाँ पे इसको मैं करता हूँ, तो यहाँ हमें इसने बताया कि करेक्ट जो आंसर हैं वो हमारे 4 out of 5। तो ये थी हमारी एक एप्लीकेशन, सिंपल सी एप्लीकेशन थी, आप इसको एप्लीकेशन कह लें, कोई सिस्टम कह लें। अगर मैं आप इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ बता रहा है योर करेक्ट आंसर आर 1 out of 5। तो अब हमारा सिर्फ एक आंसर ठीक है 5 क्वेश्चन में से। तो इस बहुत ही सिंपल और बेसिक लाइनिंग थी, यहाँ पे देखें सिर्फ 33 लाइन में, वो भी इसमें कुछ लाइन भी एम्प्टी छोड़ी हैं, उसके अलावा इसमें कमेंट्स भी थे, और ये तो ऑलमोस्ट 25 लाइंस के अंदर ये हमारा कोड बना है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कोड था। तो ये मैंने इसीलिए करवाया है क्योंकि सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ही बना के मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने एप्लीकेशन बनाई है, उम्मीद है आपने इसको पसंद की होगी। तो मेरी वेबसाइट है ये w3webschool.net, आप इसको विज़िट करते रहें, और ये जो इस वेबसाइट का जो ऑफिशियल फेसबुक का पेज है उसका लिंक ये सामने गिवन है www.facebook.com/w3webschool.net। ये पेज है, इस तरह जो फेसबुक के अंदर हमारा ग्रुप भी है उसका लिंक ये है कि facebook.com/groups/w3webschool.net, सेम यही है, लेकिन वो यहाँ पे आप लिखते हैं कॉम के बाद /groups और फिर /w3webschool.net। इस तरह YouTube का चैनल भी है जिसपे जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं वो वहाँ पे अपलोडेड हैं, और वहाँ पे कुछ अपलोड भी हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, कोर्स जो अपलोड्स होंगे। तो YouTube का चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप उसी वक्त उसकी एक अपडेट मिल जाए कि जो वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो YouTube के चैनल तक पहुंचने के लिए कि आप मेरी वेबसाइट विजिट करें, वहां पर भी आपको YouTube का चैनल मिल जाएगा, या आप सिंपली गूगल YouTube में जाकर सर्च कर लें w3webschool.net, तो आप फर्स्ट लिंक जो होगा फर्स्ट नंबर पर वही मेरा चैनल है, आप उसको ओपन करें, उसको सब्सक्राइब करें, अपन दोस्तों से भी शेयर करें। उम्मीद है ये जो मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपने इसको पसंद किया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।